सनातन नहीं मिटा था। रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के ओंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक कावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थोकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत, अमृत काल के प्रथम वर्ष में, जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। याद करिए, दुनिया जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के भारत की 140 करोड़ की आबादी, जब भारत के सुश्री नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो
आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।